यानी ये पूछना चाह रहे हैं कि YouTube की कमाई हलाल है या हराम? इसके यानी जाकिर नाइक का फतवा पूछना चाह रहे हैं जो उन्होंने कहा कि हराम है ये? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله احمده وهو المحمود ابدا ابدا واستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز واجب الاحترام سپیکر کیوں بند کر دیا یار آپ لوگ ابھی تو تقریر شروع نہیں ہوئی تو ये पंजाबी स्पीकर है मुँह देना पैंदा है। कराची में हम यहाँ स्पीकर रखते हैं। पावर माइक की खोलो, माइक जो है ना उसका बटन खोलो ताकि वो दूर से खींचे आवाज़। बहरहाल हर इलाके का अपना कल्चर होता है। पंजाब में एक खतीब ऐसे थे कि वो बिल्कुल ऐसे मुंह लगा के ऐसे बोलते थे, लोगों को आवाज़ समझ नहीं आती थी, बड़े परेशान, कह कह के थक गए, खतीब हटे ही नहीं, मुंह से परे करे ही नहीं। किसी ने मशवरा दिया कि इसमें थोड़ा करंट छोड़ दो, तो उन्होंने अर्थ छोड़ा ना, फिर जो होंठ लगाया ना, फिर वो जुमला मैं यहाँ कह नहीं सकता जो उसने कहा।
अहलन व सहलन। अस्सलाम वालेकुम। नमा गुफ्तगू के बाद इंशाल्लाह गले मिलेंगे। अकरमक अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे बाद फैसलाबाद में एक अवामी सतह पर, गालिबन ये मेरा पहला दौरा है अवामी सतह पर काफ़ी अरसे बाद, इसीलिए आप लोगों में थोड़ा जोश व खरोश भी देखने को आया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने मुझे इज़्ज़त दी, तकरीम दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले आपको दुनिया और आखरत दोनों जहानों में इज़्ज़त नसीब फरमाए। बाकी अहबाब, बहुत सारी बातें मोहब्बत की रौ में बहते हुए कह जाते हैं, सच्ची बात है मैं इस काबिल नहीं, मैं दीन का एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ। और बस अल्लाह ने पता नहीं क्यों लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी है। मेरे लिए बस ये दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे जैसा आप लोग गुमान करते हैं। मुझे हुक्म मिला है रद्दे शिर्क और रद्दे बिदआत के हवाले से कुछ बातें आपके गोश गुजार की जाएं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे। बहुत सारे उलमा भी इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे मोहसिन मोहतरम हाफिज़ सनाउल्ला ज़िया हाफिज़हुल्ला भी तशरीफ़ फरमा हैं। ये अगर 79-80 में अगर कराची में ना होते तो शायद कारी खलील को आज दुनिया ना जानती होती। किसी मौके पर इंशाल्लाह इसका भी इजहार करेंगे। आज उनकी मौजूदगी में उनके सामने मुंह पे तारीफ़ करना अच्छा नहीं है। दुनिया में अल्लाह ने हमें बामकसद भेजा है। अल्लाह तो बहुत बड़ी ज़ात है, दुनिया में कोई मामूली पढ़ा लिखा आदमी भी बेमकसद काम नहीं करता, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। और अल्लाह जो खाले के कायनात है, पूरी दुनिया और आखरत का बादशाह है, उसके काम बेमकसद और लायानी कैसे हो सकते हैं? और इतनी बड़ी मखलूक उसने बेमकसद कैसे पैदा कर दी? और ये जो दुनिया ने बना रखा है कि अगर हुजूर ना होते तो दुनिया ना होती, फुला ना होता तो दुनिया ना होती, अल्लाह ने दुनिया किसी के लिए नहीं बनाई। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह ने दुनिया सिर्फ अपनी बंदगी के लिए बनाई, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं कि जिन भी और इंसान भी मेरी बंदगी करें, रिस्क मेरा खाएं और शुक्र भी मेरा बजा लें। हज़रत शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक मिसाल देते थे, फरमाते थे कि मैं एक जगह से गुज़र रहा था तो एक छोटी बच्ची एक मुर्गी को थप्पड़े मार रही, और मैंने उससे पूछा बेटी इसको क्यों मार रही है, तो बेजुबान मुर्गी है बेचारी। बोले मौली साहब तुझे क्या पता, ये छोटा सा चूज़ा थी, जब मेरे अब्बू लाए थे मैंने इसे घर में पाला, दाना डाला, पानी डाला, दड़बा बनाया, गर्मी सर्दी से बचाया, कुत्ते बिल्ले से बचाया, और मेरा एक ही मकसद था कि ये अंडे देगी फिर हम अंडे खाएँगे। अब ये अंडे देने वाली हो गई है, दाना अब भी मैं डालती हूँ, घर में अब भी हमारे रहती है,
लेकिन जब भी इसे अंडा जोर करता है पड़ोसियों के घर में दे आती है, दाना हमारे यहां से खाती है, अंडा वहां देती। तो वो फरमाते थे कि देखो एक बच्ची भी बर्दाश्त नहीं करती कि जिस मुर्गी को दाना मैं डालती हूं वो अंडा पड़ोसन के घर में दे। तो वो रब जिसने मां के बतन से लेकर आपका बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, कब्र तक सारी ज़रूरियात का एहतमाम किया, इंतज़ाम किया, इंसराम किया, वो ये कैसे गवारा करे कि मेरा बंदा जिसकी हर ज़रूरत मैं पूरी करता हूँ और जब शुक्रिया का वक्त आए तो गैर के आस्ताने पर माथा टेके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे कहीं ज्यादा गैरत वाला। हदीस में आता है कि एक मौके पर हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मजलिस में बात की, लौ रअयतु रजुलन मा इमराती लअद्रिबहु बिस्सैफ, अगर मैं अपनी घर वाली के साथ, यानी उसने अपनी गैरत का इजहार किया, अगर अपनी घर वाली के साथ मैं किसी गैर को देख लूं तो फिर तो उससे मेरी तलवार ही निमटेगी, लअद्रिबहु बिस्सैफ, मैं तलवार से उसका काम तमाम कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची, आपने नाराज़गी या गुस्से का इजहार करने के बजाय, जैसे हमारे यहाँ बाद लिबरल बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं मियाँ देखो ये तो कानून हाथ में लेने वाली बात है, अल्लाह के रसूल ने बजाय साद को डांटने के आपने सहाबा से कहा उन्ज़ुरू इला गैरत सादिन, साद की गैरत को देखो कितना गैरत वाला है। इसलिए कि इस्लाम पूरे का पूरा मज़हब गैरतमंदों का है, बेगैरतों का इसके अंदर कोई ठिकाना नहीं, पूरा मज़हब गैरत वालों का। फिर आपने दो कदम आगे बढ़कर फरमाया, फरमाया आना अगयरो मिन गैरत सादिन, अल्लाह की कसम मैं साद से ज्यादा गैरत वाला, मैं साद से ज्यादा गैरत वाला। फिर एक कदम और आगे बढ़े, फरमाया वल्लाहु अगयरु मिन्नी, अल्लाह की कसम अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला। तो जो रब इतना गैरत वाला है, आप देख लें दुनिया उसके सामने गैरों के आस्तानों पर झुकी पड़ी है, माथे रगड़ती है, सजदे करती है, गिड़गिड़ाती है, चादरें चढ़ाती है, केवड़े से धोती है, सब कुछ करती है, लेकिन उनको सुबह से शाम दोपहर रोटी वही खिलाता है। कोई उसका किसी ने रोज़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी की रोज़ी बंद नहीं की कि इसने शिर्क किया तो आज इसकी रोज़ी बंद, बल्कि वहाबियों से ज़्यादा दे रहा है। इसलिए कि उनके लिए अल्लाह ने सिर्फ दुनिया रखी है, सिर्फ दुनिया, मा लहू फिल आखरत मिन खलाक, आखरत सिर्फ और सिर्फ अहले तौहीद की है, अहले शिर्क के लिए आखरत में कुछ नहीं। फरमाया या अय्युहन नास दुरिब मसलुन फस्तमीउ लह, ऐ दुनिया वालों कायनात का मालिक तुम्हारे सामने एक मिसाल बयान करता है, तवज्जो से सुनो, कान लगा कर सुनो। इन्नल्लज़ीन तद्रून मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, लन यखलुकू ज़ुबाबा, उनकी कमज़ोरी का ये आलम है, उनकी बेबसी का ये आलम है, तुम उनसे बेटे बेटियां पोते पोतियां मांगते हो, लाइं अखलुकु ज़ुबाबा, वो तो एक हकीर मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, इतने इतने कमज़ोर हैं, इतने बेबस हैं।
फरमाया वलविजतमऊला, ये नफी रब्बुल आलमीन ने किसी एक सरकार की नहीं की। ये नहीं फरमाया कि अजमेर वाला ऐसा नहीं कर सकता, या लाहौर वाला मक्खी नहीं बना सकता, या पाकपटन वाला ऐसा नहीं कर सकता, या चाचना शरीफ वाली सरकार ऐसी नहीं कर सकती, या मदीने वाली सरकार ऐसी नहीं कर सकती। फरमाया वाला विजतमऊला, अगर सारी सारी दुनिया के पीर फकीर जमा कर लो फिर भी लई अखलूकु जुबावा, सारे मिलकर भी एक मक्खी नहीं बना सकते। मक्खी तो बनाना दूर रहा, इकबाल भी बदला जा ना सका। ऐ खालिक कुल, ऐ मालिक कुल, ऐ राज़िक कुल, ऐ हाकिम कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफतें कोई भी पा ना सका। हर शय पे तसर्रुफ है तेरा, जब हुक्म दिया तब मी बरसा। ऐ मालिक अब्र से तेरे सिवा एक बूंद भी कोई गिरा न सका। ऐ खालिक कुल, ऐ मालिक कुल, ऐ राज़िक कुल, ऐ हाकिम कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफतें कोई भी पा न सका। यूनुस ने पुकारा ऐ अल्लाह, और बैठ गया था कश्ती में, तेरा हुक्म तो मौला टल ना सका, वो खुद को पार लगा न सका। तेरा हुक्म तो मौला टल न सका, वो खुद को पार लगा न सका। तू जिसको डबोने पर आए, फिर किसकी है ताकत पार करे। महबूब तेरा मजबूर रहा, कश्ती में पिसर को बिठा न सका। महबूब तेरा मजबूर रहा, कश्ती में पिसर को बिठा न सका। खालिक वो नहीं जिससे के कभी बन सकती नहीं एक मक्खी भी। खालिक वो नहीं जिससे के कभी बन सकती नहीं एक मक्खी भी। मक्खी तो बनाना दूर रहा, इकबाल भी बदला जा न सका। ऐ खालिक कुल, ऐ मालिक कुल, ऐ राज़िक कुल, ऐ हाकिम कुल, सुबहान है तू, रहमान है तू, तेरी सिफतें कोई भी पा न सका। अल्लाह रब्बुल आलमीन को यकता मानिए, हर किस्म की ताकत के एतबार से, कुव्वत के एतबार से, रज़ाकियत के एतबार से, उलूहियत के एतबार से, रब्बुल आलमीन की ज़ात में ना कोई शरीक, ना रब्बुल आलमीन की सिफात में रब्बुल आलमीन के कोई शरीक है, और ना उसकी उलूहियत में कोई शरीक। बंदगी करो तो आपके सामने सिर्फ अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को वास्ते और वसीले दो, उसके सिफाती नामों के देने चाहिए। फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाह के और भी अच्छे अच्छे नाम हैं, जब भी रब्बुल आलमीन को पुकारो अल्लाह के नामों से पुकारो। एक नाम से थक जाओ, दूसरा नाम जपना शुरू कर दो। एक नाम भूल जाए, दूसरा नाम याद कर लो। अल्लाह के इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उन नामों से पुकारो। इन गैर के आस्थाने पर जाके तुम्हें क्या मिलने वाला है, ये तो इतने कमज़ोर हैं। वलविजतमऊला, सारे जमा होकर एक मक्खी भी नहीं बना सकते, तुम्हें बेटे और बेटियां कहाँ से देंगे। अगर तुम दुनिया में कहते हो हमारी शादी को 10-10 बरस गुजर चुके, औलादें नहीं होती, बेटे नहीं होते, बेटियां नहीं होती, कभी बेटे होते हैं तो बेटियां नहीं, कभी बेटियां होती हैं तो बेटे नहीं,
कभी कुछ भी नहीं होता, आदमी औलाद को तरसता है, सारे डॉक्टरों के इलाज छान मारता है, राखी भी कोई नहीं छोड़ता, तावीज़ गंडे वाला भी कोई नहीं छोड़ता, बोतलें भी हर मौलवी की थू थू की हुई सारी बोतलें पी जाता है, मगर घर में आंगन में औलाद की नेमत का फूल नहीं खिलता। रब्बुल आलमीन कहता है तेरी तशखीस भी गलत, तेरा इलाज भी गलत। यह बोली मैया शाह इनासा व यह बोली मैया शाह ज़ुकूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटों से नवाजता है, जिसको बेटे देता है बेटियों को तरसता है, उसी के खजाने में सारी कुंजियां रब्बुल आलमीन के पास हैं। वो ताला खोलेगा तो खुलेगा, वो नहीं खोलेगा तो दुनिया का कोई पीर फकीर खोल ही नहीं सकता। फरमाया वही जिसे चाहे बेटियां दे, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानं व इनासा, जिसे चाहे दोनों मिला कर दे, बिलावल भी दे बख्तावर भी दे, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानं व इनासा, जब चाहे दोनों मिला कर दे, और अगर ना देने पे आए, व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, बिल्कुल बांझ बना कर छोड़ दे, पहली शादी दूसरी शादी तीसरी शादी चार शादियां भी पूरी कर ली लेकिन औलाद की नेमत से मारूम। आखिर यही हल नजर आया कि एडी सेंटर से कोई बच्चा उठा करके पाल लो, इस ख्वाहिश और तमन्ना को पूरा कर लो। अल्लाह कहता है सब कुछ मेरे हाथ में है, पीर फकीर मलंग दरंग सब कुछ कुछ नहीं। सारी दुनिया के अंदर रब्बुल आलमीन ने एक ही निज़ाम अपने हाथ में रखा, कुछ भी तो किसी को नहीं दिया। हत्ता के अंबिया भी यही कहते हैं, अगर हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़जानों की चाबियां होती, लस्तक सरतु मिनल खैर, बहुत सारी खैर हम जमा कर लेते, भलाइयां जमा कर लेते, लेकिन चूंकि ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। हम देखते हैं दुनिया में कलमा पढ़ने वाला कलमा भी पढ़ता है, मुसलमान भी कहलाता है, मोमिन भी कहलाता है, नई गाड़ी जब भी कंपनी से निकाल कर घर ले आता है, शोरूम से उठा कर घर ले आता है, दादी अम्मा कहती है नजरे बद से बचने के लिए छोटे बच्चे की पुरानी जूती इसके आगे बांध दो, पुरानी जूती इसके पीछे बांध दो। ये नजरे बद के काम, नजरे बद से जूतियाँ नहीं बचाती, अल्लाह रब्बुल आलमीन बचाता है। अगर जूतियाँ बचाती होती, मुझे बताइए, अगर जूतियाँ नजरे बद से बचाती होती, दुनिया का कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो जूते उतार कर गाड़ियाँ चलाता है? सबके पाँव में जूते होते हैं लेकिन गाड़ियाँ फिर भी ठुक जाती हैं। और अगर फिर भी तुम कहते हो कि जूतियाँ हादसे से बचाती हैं, नजरे बद से बचाती हैं, तो मुझे बताइए वो गाड़ी ज़्यादा कीमती है या गाड़ी के मालिक की जान ज़्यादा कीमती है? मुझे बताइए गाड़ी कीमती है या गाड़ी के मालिक की जान ज़्यादा कीमती है? जिस गाड़ी में दूल्हा और दुल्हन को ला रहे हो वो गाड़ी ज़्यादा कीमती है या दूल्हा और दुल्हन की जान ज़्यादा कीमती है? बताइए ना, जान ज़्यादा कीमती है तो फिर एक एक जूती दूल्हा और दुल्हन के गले में भी होनी चाहिए। एक जूती गाड़ी के मालिक के गले में भी होनी चाहिए ताकि गाड़ी भी बचे तो मालिक भी बचे। ये तो ना हो कि गाड़ी तो बच जाए और मालिक लुढ़क जाए, क्या फायदा? ये जूतियां नहीं बचाती, अल्लाह बचाता है। और अल्लाह ने इनकी कमजोरी का एक स्टेप और आगे बयान फरमाया, फरमाया वाइया सुलुबुहुमु ज़ुबाबु शैया लन यस्तन्क़िज़ुहु मिन, अगर इनकी
मैं खतीबाना अंदाज में अगर तर्जुमा करूं, इनके सामने रखी हलवे की प्लेट में से सूजी का एक दाना अगर मक्खी लेकर उड़ जाए, लई अस्तन किदू मिन, उससे वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। इतने कमज़ोर हैं, ताकतवर इतने हैं कि दरियाओं में डूबती कश्तियां तरा दिया करते हैं। बदबख्तों के अकीदे देखो, कमज़ोरी इतनी है कि मक्खी के मुंह से भी सूजी वापस नहीं ले सकते, और कश्तियां जो तराते हैं वो भी आज की डूबी नहीं, सौ सौ साल पुरानी डूबी कश्तियां तरा दिया करते हैं। मुशरिक़ की अकल टखने में होती है, ज़रा नहीं सोचते। आज दुनिया में जितने भी मज़ारात चलते हैं, इन मज़ारों पर जितने लोग जाते हैं, अगर इस नुक्ते पर, इस पॉइंट पर इतना भी सोच लें, मैं आज साल बाद आया हूँ, आज छः साल बाद आया हूँ, आज दस साल बाद आया हूँ, लेकिन ये मुजावर 24 घंटे मज़ार पे बैठे रहते हैं, झाड़ू देते हैं, पोछा लगाते हैं, सफाइयाँ करते हैं, इत्र और केवड़े छिड़कते हैं। अगर ये बाबा देने वाला होता तो इनके हाथ हमारी जेबों की तरफ क्यों होते? कभी सोचा किसी ने कि हम साल दस साल बाद आए हैं मज़ार पे कि बाबा कुछ देगा? अगर बाबा देने वाला होता तो जो 24 घंटे मुजावर बन के वहाँ बैठा है, 24 घंटे मुजावर बन के बैठा है, तो ये मुजावर उस बाबे से ना लेता, हमसे क्यों लेते? फिर इतने बड़े बड़े तजूरियाँ, मजबूत लोहे के बॉक्स रखे हुए ताकि आने वाला इसमें चंदा डाल के दे। और ये जितने इलेक्शन में लड़ते हैं, गद्दी नशीन, सजादा नशीन, सारा वही मज़ारों का पैसा होता है जो इलेक्शन मुहिम में लुटाते हैं। हराम का पैसा हराम मद में चला जाता है। मेरे भाइयों, कुछ नहीं इनके पल्ले। ज़ौफ अत्तालिब वल मतलूब, फरमाया तालिब भी कमज़ोर, मतलूब भी कमज़ोर, छीनने वाला भी कमज़ोर, जिससे छीना जा रहा है वो भी कमज़ोर, पुकारने वाला भी कमज़ोर, जिसे पुकारा जा रहा है वो भी कमज़ोर, दोनों कमज़ोर। मा कदरुल्लाह का हक्का कदरी, अल्लाह ने अपनी मखलूक से शिकवा किया, मा कदरुल्लाह का हक्का कदरी ही, इन्नल्लाह लकवीजुन अजीज। इन्ना बकारू ने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की जैसी कदर का रब्बुल आलमीन इस्तेहकाक रखता था, ऐसी कदर नहीं की। आज दुनिया में हम देखते हैं कि कहीं नखले मरकज की छाँव में सजदे, कहीं मरने वाले के पाँव में सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, यहाँ और वहाँ खानकाहों पे सजदे, ये कुब्बा परस्ती के पामाल सजदे, मज़ारों पे जा जा के हर साल सजदे। मज़ारों पे जाते हो बहरे सफारिश, जो खुद सो चुके क्या सुनेंगे गुजारिश, जो माइल बखाबे अजल हो चुके हैं, लहद में जो आराम से सो चुके हैं, जो करवट बदलना नहीं जानते हैं, उन्हें आप मुश्किल कुशा मानते हैं। अरे उनको तो करवट बदलना भी नहीं आती कब्र में, तेरी मुश्किलें क्या आसान करेंगे? अरे मुश्किल कुशा वो हुआ करता है जिस पर कभी मुश्किल ना आए, हाजत रवा वो हुआ करता है जिस पर खुद कभी हाजत ना आए। ये तो खुद मांगते हैं, ये क्या देंगे? एक फ़कीर दूसरे फ़कीर को क्या देगा? एक फ़कीर दूसरे को क्या देगा? ये तो खुद मांगते हैं। शेख बुरी रहमतुल्लाह अलैह की एक और मिसाल मुझे याद आ रही। वो फरमाया करते थे कि किसी गांव में पीर साहब आए हुए थे, लोगों ने उन
दावत खिलाई, अच्छा खासा बकरा वकरा खिलाया। ज़ाहिर बात है जब खाएंगे तो फिर सेवरेज का सिस्टम भी हरकत में आता है। अब वो प्रेशर पड़ा तो परेशान हो गए, मुरीद से कहा जल्दी से पानी का लोटा ला। उस ज़माने में ये वाशरूम लैट्रीन ये चीज़ें नहीं होती थी, खेतों में जाना पड़ता था। अब वो लोटा लाया, पीर साहब के हाथ में लोटा दिया और पीर साहब भागे जा रहे खेतों की तरफ। रास्ते में एक मुरीद आ गया, हजरत छोटा सा एक मस्जिद है, मसले का बच्चा परे हट, रोक ही नहीं रहा। अब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, देखो ये है हाजत रवा, जिसको हाजत ने पीछे आगे लगा रखा, हाजत पीछे पीछे, हाजत रवा आगे आगे। अपनी हाजत तो रोक नहीं सकता, दूसरे की हाजत रवाई क्या करेगा, दूसरे की हाजत रवाई क्या करेगा। यकीन मानिए, अगर आदमी सिर्फ कुरान मजीद का तर्जमा भी पढ़े ना, मुशरिक नहीं रह सकता, मुशरिक रह ही नहीं सकता। कुरान दिलों का जंग उतारने वाली किताब है, शिर्क को जड़ से काटने वाली किताब है, बशर्ते कोई वो जो तकलीद का चश्मा, काला चश्मा हटा के कुरान को उसकी असली शक्ल में देखे, असली रंग में देखे, तो कुरान दिलों में उतरता है। कुरान बताता है कि हक क्या है। मा कदरुल्लाह हक कदरे, इन लोगों ने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की जैसी कदर करने का अल्लाह हक रखता था। और अल्लाह कवी भी है, गालिब भी है। मेरे भाइयों, तौहीद इतना मुश्किल मसला नहीं है, इतना मुश्किल मसला नहीं है कि आप समझो कि मैं 8 साल मदरसे में गुजारूंगा तो तौहीद समझ में आएगी। नहीं, ये जो अल्लाह के रसूल ने बकरियां चराने वालों को, ऊंट चराने वालों को, भेड़ चराने वालों को आपने जो तौहीद सिखलाई, वो कोई दर्स निज़ामी के फारिग तहसील नहीं थे, स्कूल मदरसे के तालिब इल्म नहीं थे, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के नाम तक नहीं थे, वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने तौहीद उनके दिलों में ऐसी उतार दी, आज वो तौहीद में हमारे इमाम, आज वो हमारे इमाम हैं, हम उनसे तौहीद लेते और सीखते हैं। तौहीद इतना आसान। अल्लाह कुरान मजीद में कहता है, मेरे बंदे तू नहीं पढ़ सकता ना, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, बुखारी नहीं पढ़ सकता, मुस्लिम नहीं पढ़ सकता, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया को तो पढ़ सकता है ना, दुनिया को तो पढ़ सकता है। पूरी दुनिया तौहीद की एक खुली किताब है, एक एक चीज पे गौर करता जा, ये पूरी की पूरी दुनिया दर से तौहीद है तेरे लिए। फरमाया व इन लकुम फिल अनआम लइबरा, जानवरों में भी रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए एक इबरत रखी है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्स, आप इस चीज पर गौर करो, सुबह नाश्ते की टेबल पर रखा हुआ दूध का गिलास, पीने से पहले इसे सोचो, कहाँ से आया, कैसे आया, किन प्रोसेस में से गुजर कर तेरे ज़र्फ में आया, तेरे ज़र्फ में शफाफ और खालिस मीठा और खुश रंग और खुश जायका दूध, इसको पीने से पहले सोच कहाँ से आया, कैसे आया। देखता नहीं तेरी भैंस की रंगत काली, तेरे चारे की रंगत हरी, फिर वो भैंस वो चारा खाए, मिम्बैनि फर्सिन वदमिन लबनन खालिसा, हम गोबर के बीच में से, खून के बीच में से तुम्हारे लिए शफाफ और खालिस दूध मुहैया करने वाला बताओ कौन। फरमाया हम दूध में भैंस की स्याही को भी शामिल नहीं होने देते, चारे की हरियाली को भी शामिल नहीं होने देते, पेशाब की पिलाहट को भी शामिल नहीं होने देते,
गोबर की बदबू को भी शामिल नहीं होने देते, लेकिन गुजरता उन्हीं रास्तों में से है, लेकिन जब तेरे गिलास में आता है इन गिलाजतों में से किसी का रंग उसमें बाकी नहीं होता। ये फिल्ट्रेशन का निज़ाम किसने लगा दिया? फिर ग्यारहवीं के मौके पर पीर के नाम पर क्यों बांटते हो, क्यों बांटते हो? वैसे दूध पीने का शौक है तो बेशक पी लिया करो, बिरयानी खाने का शौक है तो वैसे खा लिया करो, उसे हराम करके क्यों खाते हो, क्यों हराम करके खाते हो? आपने वो क्लिप अच्छी तरह देखा होगा, हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि जी इसाले सवाब के मौके पर कुरान खानी करना और ये सब दुरुस्त और जायज़ है। मैंने कहा नाजायज़। मैंने कहा रसूलुल्लाह के ज़माने में भी वफ़ाते होती थी और उस ज़माने में कुरान भी था, कभी हुआ कि किसी सहाबी की वफ़ात पर लोग पारे लेकर या हाफिज़ इकट्ठे करके बैठे हों, यार एक एक पारा तुम पढ़ लो और फिर इसको बख्शो? तो बीच में आमिर लियाकत साहब कहने लगे कि जी कारी साहब आप भी कमाल करते हो, भला सहाबा तो बख्शे बख्शाए लोग हैं, उन्हें सवाब की क्या ज़रूरत थी कि हम उनको बख्शें? तो मैंने कहा तुम्हारी नज़र में पीर अब्दुल कादिर जिलानी गुनाहगार है? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा फिर हर महीने उनके नाम की ग्यारहवीं क्यों बख्शवाते हो? अल्लाह ने उसके मुँह से निकलाया, बोले बिरयानी खाने के लिए। मैंने कहा फिर ठीक है खाते रहो। यकीन मानिए जब वक्फा हुआ हनीफ कुरैशी साहब उस पर इतने भरम हुए कि अगर आपने जवाब देने हैं तो हमें क्यों बुलाते हो, हमें क्यों बुलाते हो? अब आपने कहा हम बिरयानी खाने के लिए करते, हम कोई बिरयानी खाने के लिए करते? और ये अब बाहर जाके सबको बताएगा, बोले ये तो बिरयानी खाने के लिए करते। मैंने कहा कसम दिला दो मैं नहीं बताऊँगा, ये शो लाइव चल रहा है, सब ने सुन लिया है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह के बंदे हक हमेशा सर चढ़कर बोलता है, हक को आंच नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने की बात यह है कि जब उस भैंस के रंगत बनाने में पीर साहब का हाथ नहीं, सींग बनाने में हाथ नहीं, चारे में हाथ नहीं, हत्ता के गोबर तक बनाने में भी पीर साहब का कोई हाथ नहीं, तो दूध जब इतना शफाफ तेरे पास आए, दे रब और बांटे गैर के नाम पर, ये तो इंसाफ नहीं है ना। इकबाल कहता है समझ में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरा दिमाग ही बुत खाना हो तो क्या कहिए। ये मसला मुश्किल नहीं है, आसान मसला। इकबाल की बात बातें बड़ी अजीब होती, एक जगह सवालिया अंदाज में तौहीद को बयान करता है, कहता है पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, पालता है बीज को मट्टी की तारीकी में कौन, और कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब। बोलो ना फैसलाबाद वालों, बोलो कौन? अल्लाह ही, अल्लाह ही, सिर्फ अल्लाह उठाता है और किसी का अमल दखल नहीं। किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदम की जेब, किसने सिखलाई है मौसमों को हुए इनकलाब, किसने? फैसलाबाद वालों, अल्लाह ने। आसमां के दामन में बादलों के रवा दवा काफले, जिनमें गर्मी भी है जिनमें सर्दी भी है, जिनमें पानी भी है जिनमें आग भी है। आप देखते हैं बिजली चमकती है, आग नजर आती है, हालांकि बादल पानी से भरे हुए हैं, ये दोनों मुतजाद चीज़ें किसने जमा कर दी? और फ्री कार्गो सर्विस का ये निज़ाम, कराची में समंदर, वहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन
सूरज की तपिश से बुखारात को उठाकर ऊपर ठंडी जगह पर ले जाकर इन्हें जमा देता है और फिर उस पानी को हवा के दोष पर, जैसे आपके हवाई जहाज हवा के दोष पे आते हैं, अल्लाह उसी हवा के दोष पर जमे हुए पानी को चलाता है जहाँ समंदर नहीं, जहाँ दरिया नहीं, जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत होती है अल्लाह उन जमे हुए पानी को पिघलाकर आप पर अब्रे रहमत की बरखा बरसाना शुरू कर देता है। अल्लाह हमसे कोई पैसे नहीं लेता। जब से दुनिया बनी रब्बुल आलमीन ने सूरज बनाया, पता नहीं कितने कितने करोड़ों खरबों धन अगर हम लगाते तो इतना सूरज रोशन ना कर पाते, बगैर सीएनजी के, बगैर गैस के, बगैर डीजल, बगैर पेट्रोल के। जब से दुनिया बनी है रब्बुल आलमीन ने सूरज को रोशन रखा हुआ है, टाइम से निकलता है, टाइम पे डूबता है। अगर अल्लाह हम पर ये ज़िम्मेदारी डाल देता कि जितना तुम कमाते हो सबसे पहले तुम्हें सूरज को रोशन करने के लिए, ईंधन मुहैया करने के लिए तुम्हें इतना पैसा, इतना टैक्स तुम्हें जमा करना है, यकीन मानिए हमारी सारी की सारी ज़िंदगी सूरज को रोशन रखने में गुजर जाती। हम दुनिया का कोई और काम ना कर सकते। रब्बुल आलमीन ने ये सारे का सारा निज़ाम आसमां के दामन में, ये कुमकुमे चांद जैसी लमानियत रखने वाला, ये जिसको हम चांद की मिसालें लोगों की ब्यूटी से भी दिया करते हैं, और फिर छोटे छोटे सितारे, आसमान ऐसा सजा हुआ इन कुमकुमों से, शहर में आपको ये नज़र नहीं आता। कभी देहातों में जाकर, जिन देहातों में बिजली नहीं होती, सर्दियों की सियाह रातों का मंजर देखा कीजिए, आसमान किस कदर खुशनुमा मंजर पेश करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये सारे का सारा निज़ाम, इसके पीछे रब्बुल आलमीन की कुदरत कार फरमा है, किसी पीर, किसी फकीर, किसी का कोई हाथ नहीं। अगर इंसान सिर्फ अपने वजूद पर भी गौर करे, अल्लाह कहता है सुम्मा खलकना नुतफत अलका फखलकना अलका मुदगा फखलकना मुदगा इज़ामा فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين। فرمایا ذرا اپنی تخلیق پر بھی غور کر لے، تو ایک حقیر سا قطرہ پانی تھا، اس قطرہ پانی کو ہم نے خون میں تبدیل کیا، हमने जमे हुए खून में लोथड़े में तब्दील करने के बाद उसको बोटी बनाया, फिर हड्डी में तब्दील किया, हड्डी पर फिर हमने गोश्त चढ़ाया, फिर ऊपर हमने पोस्ट आपकी चमड़ी ये स्किन चढ़ाई, ऐसा गोरा चिट्टा बनाकर अपनी कुदरत का शाहकार दुनिया के सामने हमने पेश कर दिया। है कोई मुसव्विर जो कतरे पानी पर रात के अंधेरे में, माँ के बतन में जहाँ कदम कोई नहीं, रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं, कतरे पानी पर इतनी खूबसूरत तस्वीर बना के दिखाए। अल्लाह के नामों में से एक नाम अल मुसव्विर है। अल मुसव्विर वो ऐसी तस्वीर बनाता है दुनिया लट्टू हो जाती। लड़का जाके अब्बा से, अम्मा से कहता, अम्मा बस मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, इसी से करूंगा, लट्टू हो गया। ये जो हुस्न दिया है अल्लाह ने दिया, ये उसकी कुदरत का शाहकार है, उसकी कुदरत का। मेरे भाइयों, अल्लाह की इन नेमतों की कदर कीजिए जो अल्लाह ने हमें अता की है, और उस नेमतों का तकाजा है कि हम शिर्क से बचें, सिर्फ अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। अगर अल्लाह का शुक्र बजा नहीं लाते तो फिर यकीन मानिए हमने अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की। अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे
तो मैं तुम्हें और दूंगा। वला इन कफर तुम, और अगर तुम ना शुक्री करोगे, इन्ना अजाबी लशदीद, तो याद रख लो मेरी पकड़, मेरा अजाब बड़ा सख्त है। शुक्र करो, और शुक्र गुजारी का बेहतरीन जरिया नमाज है। अल्लाह की शुक्र गुजारी का बेहतरीन जरिया नमाज। आप देखें दुनिया में, आप खा के बैठे, अल्लाह का दिया, एक दाना आप जमीन में डालते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दाने को, हालांकि जमीन की कुव्वत ऐसी है, आप लोहा भी जमीन में डालें, आप कुछ अरसे बाद निकालें, आपको गला हुआ मिलेगा लोहा। ये मट्टी, जमीन की नमी, इसकी बरूदत उसे भी गला सड़ा के खत्म कर देती, जंग में तब्दील कर देती। लेकिन क्या कमाल कुदरत और क्या एहसान है कुदरत कि वो दाना जो किसान अमानतन जमीन में दफन करता है, जमीन की नमी उसे गलाने सड़ाने के बजाय कई सौ दानों में वापस करती, फिर उसका कोई हक नहीं बनता कि हम उसका शुक्र अदा करें। फिर जब वो दाना उसकी बिल्कुल बारीक सी कोंपली निकलती है, ऐसे शहादत की उंगली की तरह ऐसे निकलती, जो शायद अपनी जुबान हाल से हमें बता रही होती है, लोगों रज़ाक ऊपर है और ये भी कि देने वाला एक है। फिर जब ऊपर भुट्टा लगता है, तना नीचे एक है, ऊपर भुट्टा लगता है, उसमें कई सौ दाने। आप बाजरे को देखें, बाजरे को देखें, एक ही भुट्टे में आप दाने तो गिने, वो गवाही दे रहा होता है देने वाला एक है और खाने वाले बेशुमार हैं। फिर वो पत्थर के दो पाटों के बीच पिसकर आटा भी बन गया, पानी को हुक्म हुआ इसे गूंद दे, पानी ने गूंद भी दिया, आटा बन गया, आग को हुक्म हुआ रोटी पका दे, उसने पका दी। फिर दूसरी चक्की जो जबड़े की शक्ल में आपके मुंह में मौजूद है, और इसको हुक्म हुआ कि इसको चबा पीस, जुबान की मदद से हुक्म हुआ कि हल्क से नीचे उतार, और जब हल्क से नीचे निवाला उतरने लगता है, अल्लाह ने यहाँ दो रास्ते रखे, एक रास्ता आपके फेफड़ों में जाता है जो सांस के लिए है, और एक रास्ता आपके मैदे में जाता है जो गिजा के लिए। जो फेफड़ों में रास्ता जाता है उसके ऊपर एक खुदकार सिस्टम के तहत अल्लाह ने एक ढकना लगाया, जैसे निवाला उतरने लगता है ढकना ठक करके बंद हो जाता है, ताकि कोई गिजा फेफड़े की तरफ ना जाए। यही वजह है कि आप जब कभी खाते पीते हंसते हैं, तो हंसने से चूंकि सांस बाहर आती है, ढकना खुलता है बंद होता, उधर से पानी जा रहा उधर आप हंसे, खुला, कोई कतरा पानी अंदर गया, खुदकार सिस्टम के तहत आपको फंदा लग गया, और आपको जिसे आप उत्तू कहते हैं वो आने लगा, और हवा के प्रेशर से वो पानी बाहर निकला, और वो नाली वो पाइप बिल्कुल साफ हो गई, और वो निवाला मैदे में उतर गया, मैदे ने फिर पीसा, फिर आपके इस जो एक फुट के पेट के अंदर, या अगर बड़े पेट वाला दो फुट गिन लो, ढाई फुट गिन लो, ढाई फुट पेट के अंदर अल्लाह ने ब्लड की फैक्ट्री, शुगर की फैक्ट्री, चूने की फैक्ट्री, फौलाद की फैक्ट्री, सारी फैक्ट्रियां रब्बुल आलमीन ने इसी ढाई फुट के अंदर लगा रखी। कोई है दुनिया का कारीगर जो ये फैक्ट्रियां लगा के दिखाए? जिगर क्या है? ये ब्लड की फैक्ट्री है, खून बनाता है, नया और ताज़ा खून बनाता है। गुर्दे क्या हैं? ये फिल्ट्रेशन का कुदरती निज़ाम है, साफ शफाफ खून आपकी नालियों में गर्दिश करता है, बाकी फुजले की शक्ल में बाहर खारिज करता है। उस रब का कोई हक अदा नहीं जिसने आपको इतनी फैक्ट्रियों का मालिक बनाया? आप गरीब से गरीब तर भी हों तो भी आप इन फैक्ट्रियों के मालिक। मेरे भाई, उस मसूलियत से डरिए, तौहीद को अपनाइए, शिर्क से तौबा कीजिए। सबसे पहले कुफ्र, जैसे कहा ला इलाहा
इल्लल्लाह बाद में कहा, ला इलाहा कोई माबूद नहीं, ये नफी पहले है, फिर है इस बात इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। माबूदाने बातिल का पहले इनकार करें फिर तौहीद का इकरार करें तो तौहीद अल्लाह के यहाँ मकबूल है। अगर वो भी हाँ ये भी ठीक है वो भी ठीक है, राज़ी रहे रहमान और शैतान भी नाराज ना हो, तो ये जो ईमान है अल्लाह को ये कबूल नहीं है। एक को तो नाराज़ करना ही पड़ेगा, शैतान को नाराज़ करेंगे तो रब राज़ी होगा, अगर शैतान को भी खुश रखेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी नहीं होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ज़िंदगी का ये मौका दिया है, इसको अल्लाह की अमानत समझो अपने पास। ज़्यादा अरसा हम जीने वाले नहीं हैं, एक वक्त है जो हम मुख्तसर सा हम लेकर आए हैं। जैसे आपकी मस्जिद में घड़ी लगी होती है, पहले ज़माने में चाबी वाली घड़ियां होती थी, चाबी भरते थे, एक एक हफ़्ता घड़ी चलती थी, मुअज्जिन जुमे को उसकी चाबी हर जुमे को भर दिया करता था, अगले जुमे को फिर भरता था। जैसे चाबी ख़त्म होती थी घड़ी रुक जाती थी, ऐसे आज सेल वाली घड़ी है जो साल साल सेल चलता है। अब जैसे ही सेल ख़त्म हो, वो करंट ख़त्म हो, रात का एक बजा हो, एक बज के पाँच मिनट हुए हों, बारह बज के दो मिनट हुए हों, वो घड़ी की सुई वहीं रुक जाएगी। अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में रूह की शक्ल में एक करंट छोड़ा हुआ है आपके जिस्म में, ये करंट ये सेल जैसे ख़त्म होता है, रात के एक बजे दो बजे तीन बजे एक बजकर एक मिनट बारह बजकर दो मिनट, बस वो करंट ख़त्म हुआ, ज़िंदगी की सुई वहीं रुक गई। ये ऐसा अजीब सिस्टम है मेरे भाइयों, आने जाने का खेल जारी है, कोई क्या जाने किसकी बारी है। सर पे मुंड ला रहा है इजराइल, मौत का खौफ दिल पे तारी है, आखिरकार सब जुदा होंगे, चार दिन की ये रिश्तेदारी है, यूं तो मीठा बहुत है जामे हयात, मगर आखिरी घूंट इसका खारी है, लेकिन वो हमने पीना है। वो आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वो कल सुनाया था मैंने, वो रिकॉर्डिंग वहीं से ले। जो शिर्क मुशरक था, इसका शिर्क क्या है? आज तो लोग कलमा भी पढ़ते हैं, अगर कलमा पढ़ने के बाद शिर्क करें तो ऐसे मुशरक का क्या हुक्म? दो सवाल है। जज़ाकुमुल्लाह। पहले तो साथी ने एक ख्वाहिश की कि वो अशार सुना दें, असल में वो अशार मैं खुतबे के बाद तकरीर से पहले सुनाता हूँ, तो अब पहले जब मैं बैठा आपका स्पीकर बिल्कुल मरा हुआ था, तो ख़तीब का दिल भी मर ही गया, तो फिर उसका नुकसान कुछ तो आपको होना ही था ना, तो वो यही नुकसान हुआ कि वो अशार मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा स्पीकर खुला तो हम भी खुल गए, फिर उसकी जगह मैंने बहुत सारे अशार सुनाए आपको, तो आपको फिर तो तिशनगी नहीं रहनी चाहिए। जी अब आपका मान ली, अब सवाल ये था कि शिर्क आज भी होता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी होता था। शिर्क शिर्क ही है, इसमें कोई ये नहीं आप कह सकते कि उस दौर का शिर्क हराम था और इस दौर का शिर्क हलाल है। किसी दौर में भी, किसी पैगंबर के, हालांकि दीगर शरीयतों में भी शिर्क को अल्लाह ने जायज़ नहीं रखा, शिर्क शिर्क ही रहा और हराम ही रहा, कोई गुंजाइश ना रही इसमें। अब कुरान खुद कहता है मा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, अल्लाह के साथ जो लोग ईमान लाए हैं इनमें अक्सरियत मुशरिक है। ईमान लाने के बावजूद मैंने टीवी पे कुरैशी साहब से कहा, जब उसने कहा कि तुम हो कितने, तुम्हारी तादाद कितनी है,
तुम तो अकलियत में हो। मैंने कहा कलीलम्मा युमिनून, कलीलम्मा तज़क्करून, कलीलम्मा तश्कुरून, बहुत थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं, बहुत थोड़े हैं जो शुक्र करते हैं, बहुत थोड़े हैं जो नसीहत पकड़ते हैं। और अक्सरियत के लिए अल्लाह ने क्या कहा, वमा युमिनू अक्सरहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सरियत मुशरिक। और ये कोई मेयार नहीं कि अक्सरियत, ये जो लोगों ने मनगढ़ंत बातें घड़ी हुई हैं कि सवाद आज़म की पैरवी करो जी, जो अक्सरियत पे हो वो हक वाले होते हैं, ऐसी कोई रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतान साबित रही। अगर ऐसा होता, जिस दौर में अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि तुम सारे झूठे हो, एक मैं अकेला सही हूँ, उस वक्त तादाद किसकी ज़्यादा थी? आपने कहा तुम सारे गलत हो, एक मैं सही हूँ, फिर तुम में वो सही होगा जो मुझे सही मानेगा। आप अकेले थे, ये तो कोई तकाब, सारे काफिर एक तरफ और एक अकेले रसूल एक तरफ, ये कोई भी यार नहीं। फिर आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, आदम क़यामत वाले दिन कहेगा अपनी औलाद से जन्नती दोस्त की अलग अलग करो। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे किस निस्बत से? अल्लाह कहेगा 1000 में से 999 दोजक के लिए और एक जन्नत के लिए निकालो, फिर भी जन्नत में थोड़े जाएंगे, ज़्यादा फिर भी दोजक ही भरेगी, और इतनी भरेगी हत्ता के नहीं भरेगी, अल्लाह पहाड़ों को डाल देगा, सूरज को डाल देगा, लोग ये जो बुत परस्तियाँ जिन जिन की सब को डाल देगा, फिर भी अल्लाह पूछेगा हलम तलाते, क्या आप भर गई है? वो कहेगा या अल्लाह हल में मजीद, कुछ और हो तो डालो। ये जो आगे हदीस के अल्फाज हैं, बरेलवियों को बिल्कुल हजम नहीं होते, जो अल्लाह को तो बिल्कुल भी हजम नहीं होते, कि हदीस में आते हैं अल्लाह ताला अपना कदम मुबारक उस पर रखेगा और वो दबेगी भींचेगी, कहेगी कत या रब्बे कत, अय अल्लाह बस कर बस कर, मैं भर गई मैं भर गई। लोग कहते देखो भाई वहाबियों का अकीदा, देखो अल्लाह का कदम भी दोजख में जाएगा। वो दोजख में जाएगा नहीं, वो तो दोजख का खालिक है। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग का खालिक नहीं है, लेकिन आग के खालिक ने जब आग को कहा कि मेरा मेहमान आ रहा है, तो वो नार उसके लिए गुलजार बनी कि ना बनी? तो खुद जब मालिक बोले कि मेरा कदम है, तो फिर दोजख उसे जलाना शुरू कर देगी। बेवकूफ़ों की जाहिलों की बातें हैं। तो इतनी ज़्यादा बड़ी है वो, ये हालांकि जहन्नमियों के जुस्से भी अल्लाह बढ़ाएगा, इसके बावजूद जहन्नम को भींचना पड़ेगा, तंग करना पड़ेगा। इसलिए अक्सरियत पे मत जाइए, अक्सरियत पे मत जाइए, बस कुरान और सुन्नत का साथ दीजिए, अकायद की इसलाह कीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। अगला सवाल ये है, अगर शादीशुदा वालदैन मुशरिक हो, क्या इनकी मगफरत और दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की जा सकती है? मुशरिक अगर फौत हो जाए, तो फिर तो कुरान मजीद में सराहत है कि मा कान लिन्नबी वल्लदीन आमनु अन यस्तगफिरू लिल्मुशरिकीन वलौ कानु उली कुर्बा, कि किसी नबी को भी ये इजाज़त हमने नहीं दी और किसी ईमान वाले को भी ये इजाज़त नहीं दी कि अन यस्तगफिरू लिल्मुशरिकीन, वो किसी मुशरिक की बख्शिश की दुआ करे, वो अगरचे उनका कितना ही करीबी क्यों ना हो, अल्लाह ने मना कर। हाँ, अगर माँ बाप जिंदा हैं और मुशरिक हैं, उनके लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह इनको हिदायत दे, या जैसे हज़रत अबू हुरैरा ने अपनी वालदा के लिए दुआ कराई, अल्लाह के रसूल ने दुआ की, अल्लाह ने हिदायत दे दी। हज़रत उमर के लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ की, हरम में खड़े होकर दुआ की, अल्लाह ने कबूल कर ली, हज़रत उमर को हिदायत दे दी और वो दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। ना सिर्फ दाखिल हुए बल्कि आज इस्लाम के हीरो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से हिदायत की दुआ करें मुशरिक के लिए, और जब फौत हो जाए तो फिर हिदायत भी ख़त्म, फिर मगफरत भी ख़त्म, फिर तो उसके लिए कुछ भी आप करो उसको फ़ायदा ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पहलवान घी तो रोज़ खाए, लेकिन थोड़ा चुटकी नीले थोथे की डाल के खाए। नीला थोथा समझते हैं? बच्चे नहीं समझते, बड़े समझते हैं। नीला थोथा क्या होता है? जहर होता है। वो देसी घी तो खाए, लेकिन नीला थोथा डाल के खाए,
तो मुझे बताइए पहलवान बनेगा या कब्रिस्तान जाएगा? यही मामला मुशरिक का है। जी अगला सवाल ये है, मसलहत के पेशे नजर जैसे आपने तकरीर में कहा है कि इनकार करना जरूरी है, अगर अपने अजीजों अकरबा की मसलहत के पेशे नजर हम उनका इनकार नहीं करते लेकिन अपनी तौहीद का इकरार जरूर करते हैं तो क्या तौहीद काबिले कबूल हो सकती है? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि रिश्तेदारों का इनकार करो, मैंने ये तो नहीं कहा। सवाल मैंने वैसे पढ़ दिया, सवाल ये है कि इनकार करना जिनकी वो इबादत करते हैं अपने रिश्तेदारों की मसलहत के पेशे नजर हम उनके माबूदों का इनकार ना करें, फिर तौहीद का कोई फायदा नहीं, फिर तौहीद का कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह बाद में, ला इलाहा को पहले माने। इल्लल्लाह की तलवार चलेगी कि कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, वो तो नफी करेंगे। जी सवाल ये है कि हम मुशरकों पर एतराज करते हैं कि अगर दरबार से के गल्ले से पैसे चोरी हो जाए तो हम कहते हैं कि आपका बाबा पैसे बचा नहीं पाया, तो वैसे ही हमारे ऊपर भी एतराज करते हैं कि आप तौहीद 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 करते हैं, अगर मस्जिद के गल्ले को चोरी कर लिया जाए तो अल्लाह भी कौन सा, नाऊज बिल्लाह मिज़ालिक, अल्लाह भी कौन सा इसे पकड़ लेता है, होया कि अल्लाह भी अपनी मस्जिद की हिफाजत नहीं कर पाता, क्या हुआ अपने बाबे अगर ना कर पाए? वैसे अगर कोई शख्स ये कहता, मैंने तो खैर ये जुमला नहीं कहा, लेकिन अगर कोई कहता है तो वो ये आधा जुमला कहता है, उसको पूरा जुमला कहना चाहिए था। उसको यूँ कहना चाहिए कि ये जो मज़ार में गला रखा हुआ है कोई चोरी कर ले तो देखो पीर ने नहीं बचाया, ये नहीं कहे, बल्कि ये कहे कि पीर बचा ही नहीं सकता, बचा ही नहीं सकता। फिर वो ये कह के दिखाए कि मस्जिद में जो गला है अल्लाह इसे बचा भी नहीं सकता, वो ये कह के दिखाए, ये जुरत तो करे ना। वो जो अहले हदीस कहते हैं वो आधी बात कह रहे होते हैं, पूरी बात कहें चोरी भी हो गई वो बचा नहीं सका, और अगली बात ये भी कहे कि बचा भी नहीं सकते। ऐसे तो मस्जिद से लोग जूतियां भी चोरी कर जाते हैं, लेकिन हम तो नहीं कहते कि भी वो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह हिफाजत, अल्लाह की जूतियों की हिफाजत के लिए थोड़ी, अल्लाह ने आपको अकल दी है आप उसकी हिफाजत करो, आप ना ऐसे उतार के आओ, आप संभाल के लाओ, आगे रैक रखे होते हैं उनमें रखो, खुद छुपा के रखो। एक जैसे हरम में होता है, एक पाँव आप 10 नंबर में रखें खाने में और दूसरा पाँव जो है 2 नंबर में रखें, कभी भी गुम नहीं होगी आप, कभी भी वो जो देगा एक जूता वो कहेगा इसका मैं क्या करूँगा, दफ़ा करो रखो, आपको पता है भी दूसरा कहाँ है तीसरा कहाँ है, तो यही काम आप यहाँ भी करो। जी अगला सवाल ये है कि गैरुल्लाह के नाम की नजर नियाज खाने वाले के इमाम के बारे में क्या हुक्म है? मुशरिक है, ये शिर्क है और शिर्क करने वाला मुशरिक है। मेरा ख्याल है ये बार बार शायद इसलिए पूछ रहे हैं कि जाकिर नाइक कोई ढीली बातें कर गया शायद, है ना? हाँ मैं जाकिर नाइक नहीं हूँ, उसको मुसलमान समझता हूँ लेकिन जाकिर नाइक नहीं, ढीली बातें हमें पसंद नहीं। अहले हदीस है बस कूनू कौलन सदीदा, उसकी जद में कोई भी आए, ताया आए, मामू आए, फूफा आए, खालू आए, बस लकीर सीधी खींचो बस। जी सवाल ये है कि बैंक से गाड़ी लेना चाहता हूँ, बैंक वालों के पास मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा मौजूद है, बस फर्क ये है कि मुझे उदार गाड़ी लेना कुछ महंगी पड़ रही है, नकद सस्ती पड़ रही है, क्या ये सूद तो नहीं है? देखिए बैंक दो तरह से काम करता है, एक तरीक़ाकार उसका ये है कि जब वो गाड़ी लीज पे देता है तो आपसे कहता है कि आपको पहले वो वकील बनाता है। ये असल में बैंक का जो सिस्टम है पूरे का पूरा ये फ़िका हनफियों की हीला साजी पर काम करता है, फ़िका हनफी में पूरा एक चैप्टर है हीला साजी का, और उनके यहाँ ये मसलक है। हम हीला साजी को हराम समझते हैं, इस तरह के हीले जो जायज़ को नाजायज़ बना दे, नाजायज़ को जायज़ बना दे, हीला साजी से शरीयत में आपने फरमाया दीन हक जो है वो बिल्कुल वाज़ह है, अल हलाल बैयनुन वल हराम बैयनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात,
हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, और दोनों के माबैन मुश्तबिहात हैं, उनसे बचो। और इस्लाम इतना खुला है, फरमाया लैलहा का नहारहा, इस्लाम की रातें भी इस्लाम के दिनों के जैसी हैं, यानी इस्लाम में रात नाम की कोई चीज़ नहीं, स्याही नहीं, अंधेरा नहीं, रात भी इसकी रोशन है और दिन तो रोशन है ही। तो इसलिए इबहाम में, इश्काल में ना पड़िए। ये लीज वाले क्या करते हैं, इस्लामी बैंक वाले, पहले आपको अपना वकील बनाएंगे, पैसे नहीं देंगे, आपको बोलेंगे आप शोरूम पे जाके गाड़ी पसंद करो, आप शोरूम पे जाएंगे, आप गाड़ी पसंद करेंगे, आप बोलोगे जो मैंने टोयोटा करोला पसंद की है और अब से 2 साल पीछे का मॉडल आपने पसंद किया, 24 है चलो आपने 22 का मॉडल आपने पसंद किया, वो बोलेगा ठीक है। फ़र्ज़ किया जी इसकी कीमत है 80 लाख रुपए, फ़र्ज़ किया। अब आपसे बैंक पूछेगा कि आपके पास डाउन पेमेंट के तौर पर देने के लिए कितना है, आप कहेंगे मेरे पास 5 लाख है, 10 लाख है, वो बोलेंगे ठीक है ये 10 लाख हम आपसे ले लेते हैं, बाकी पैसे वो कंपनी को पे करेंगे, उस शोरूम वाले को जहाँ से वो गाड़ी आपने पसंद की है। अभी जो आपने पसंद की है आपने अपने लिए, वैसे तो अपने लिए पसंद की है लेकिन बैंक का वकील बनकर पसंद की है और बैंक के लिए पसंद की है बज़ाहिर। बैंक क्या करेगा, उसके डॉक्यूमेंट, पहले तो वो ये करता था कि डॉक्यूमेंट आपके नाम बनवा के अपने पास, पहले ये करता था कि अपने नाम बना के अपने पास रख लेता था और जब आपकी किस्तें पूरी हो जाती थी फिर वो डॉक्यूमेंट आपके नाम ट्रांसफ़र कर देता था, लेकिन उससे खर्च डबल आता था। और आजकल ये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जब आप ट्रांसफ़र कराते हैं गाड़ी एक से दूसरे के नाम, फीस भी अब कई गुना बढ़ा दी गई है, तो इससे बचने के लिए वो पहले ही दिन से गाड़ी आपके नाम पर लेते हैं, अलबत्ता कागजात अपने पास रखते हैं ज़र ज़मानत के तौर पर, और आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, अथॉरिटी लेटर दे देते हैं जी आप यूज़ करें। फिर वो आपसे ये कहते हैं कि जी आप हमारी गाड़ी को चलाओ लेकिन आपने जितना पैसा हमें 10 लाख डाउन पेमेंट के तौर पर दिया है उसको हम किराए में शामिल नहीं करते। इस मॉडल की गाड़ी अगर मार्केट के अंदर रेंटा कार में चलती है, किसी को हम रेंट पे देते हैं, तो मंथली वो गाड़ी कितना रेंट लाती है, जो भी मार्केट वैल्यू हो तो वो रेंट उसको देना पड़ेगा प्लस बैंक का प्रॉफिट। बैंक ये कहेगा कि मैंने पैसा लगाया, आपने तो थोड़ा सा लगाया, और गाड़ी सिर्फ आप यूज़ कर रहे हो, बैंक यूज़ नहीं कर रहा, तो वो आपसे किराए के तौर पर। दर हकीकत असल चीज़ क्या है, असल वो पैसे पर ही किराया ले रहे हैं, गाड़ी को उन्होंने हीले के तौर पर बीच में से गुजारा है, हीले के तौर पर बीच में से गाड़ी को गुजारा है। असल वही है कि उन्होंने 60 लाख लगाया है और उस पर वो किराया खा रहे हैं, ये भी हराम है, गलत है, ये सूदी है। इसकी जायज़ शक्ल सिर्फ एक है जो बैंक अभी तक नहीं कर पाए, और अगर करता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, बैंक जाकर गाड़ी शोरूम से खुद खरीदे, आपको वकील ना बनाए, खुद खरीदे। खरीदने के बाद अपने बैंक का उनका कोई भी जगह हो, गोडाउन हो, कोई जगह हो, वहाँ ले आएँ, या अपना भी शोरूम बैंक बना ले और कंपनी से डायरेक्ट गाड़ियाँ खरीदे, अपने शोरूम पे खड़ी करे, पब्लिक को कहे पसंद करे, हम आपको लीज़ पे देंगे, हम आपको उधार पे देंगे, बड़े किस्तों में देंगे, हम देंगे। लेकिन इसमें भी फिर दो चीज़ें हैं, मैं किस्तों में कीमत बढ़ाने का कायल नहीं हूँ, लेकिन हमारी जमात के बहुत सारे उलमा किस्तों में कीमत बढ़ाने के कायल हैं, और ये तकी उस्मानी का फतवा भी इसी बेस पर है, और अहल हदीसों के अक्सर उलमा का भी यही फतवा है कि अगर उसी वक्त कीमत तय हो जाए तो वो कहते हैं जायज़ है। आप में से सिर्फ मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ये इसके खिलाफ थे, वो कहते थे किस्त में जब भी कीमत बढ़ाएगा वो सूद में आएगी, क्यों? वो इसकी दलील ये देते थे कि अगर आज आपने एक सौदा कर लिया कि जी ये बोतल 50 रुपए की है, आपने ले ली, और मैंने भी कहा ठीक है जी, आपने मुझे पैसे दे दिए 50 रुपए, या भी आपने कहा मैं थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, 10 रुपए दूंगा हर हफ्ते, रोज़ नहीं हर हफ्ते 10 रुपए दिया करूंगा,
ठीक है जी, हर हफ्ते। फिर ये 5 हफ्तों में इसकी कीमत पूरी होनी चाहिए, ठीक। लेकिन अगर 5 हफ्ते में तूने कीमत पूरी ना की और 6ठा हफ्ता आ गया, तो ओला माँ कहते हैं अब वो कीमत अगर बढ़ाएगा तो ये सूद है। अब ये सूद क्यों है, ये सूद क्यों है कि ये जो 1 हफ्ता बढ़ा है, वो कहते हैं ये इस मुद्दत का एवज है, और मुद्दत का एवज हराम है, सूद है, ये मुद्दत का एवज है। तो अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसको तो सारे मौलवी कहते हैं सूद है, और अगर वो कहे कि आज अगर पैसे दो तो ये 50 रुपए की है और अगर परसों दो तो ये 60 रुपए की है, इसे क्यों सूद नहीं मानते? ये जो 2 दिन में 10 रुपए बढ़े हैं, ये किसका मुआवजा है? ये भी मुद्दत का मुआवजा है, यही मुद्दत का मुआवजा है। तो जैसे वो सूद है ऐसे ये सूद है। तो किस एक हदीस में यूं भी आता है, मम बा बयतैन फलहु औ कसहुमा अविर रिबा, अगर किसी शख्स ने एक ही चीज़ के अंदर 200 दे रखे, जैसे नकद का भी है उधार का भी है, फिर उसमें फरमाया जो कम कीमत है, फलहु औ कसहुमा, जो कम कीमत है वो उसके लिए है, अविर रिबा जो ज़्यादा कीमत वाला है वो फिर सूद है। अगर और ज़्यादा कीमत इन दोनों में, नकद और उधार में ज़्यादा कीमत कौन सी होती है? उधार वाली, वही सूद है। समझ इश्ता के निश्ता जी। सवाल ये है, कुरान और हदीस की रोशनी में वजाहत फरमा दें कि मैं अपने कारोबार में इन्वेस्ट ऐसी शर्त पर कर सकता हूँ जिसमें इन्वेस्टर को नफा कम या ज्यादा तो है मगर नुकसान का कोई अंदेशा नहीं। अंदेशा ना होना आपकी खुशकिस्मती है, लेकिन एग्रीमेंट में तो आप एग्रीमेंट में उस नुकसान को लाएंगे। एग्रीमेंट आप इस बात पे नहीं कर सकते कि चूंकि इसमें अंदेशा नहीं लिहाजा मैं सिर्फ नफा ही लूँगा, नुकसान नहीं लूँगा। जब अंदेशा ही नहीं है तो नुकसान से डर क्यों रहे हैं, लिखवा क्यों नहीं रहे? अंदेशा ही नहीं है तो लिखवा क्यों नहीं रहे? फिर ये ऐसे हीला साजी हैं जी। तकफीर सहाबा का मुर्तकिब क्या काम? वैसे इस मसले पर अगर आपको डिटेल चाहिए ना, जितने भी आजकल के जदीद मुआशी मसाइल हैं, ये लीजिंग है, ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये प्राइस बॉन्ड है, ये लक्की नंबर है, ये गोल्डन की है, ड्रॉप शिपिंग है, आजकल की ऑनलाइन बिजनेस है, ये सारे कारोबार, इसके लिए मेरी एक किताब है जानेब हलाल के नाम से, जानेब हलाल, जिसका मुकदमा डॉक्टर अब्दुलरशीद अजहर रहमहुल्ला ने लिखा था 40 सफ़ात पर, वो किताब 600 सफ़े पर मुश्तमिल है। kitabosunnat.com से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें फिर पूरी फरिश्त है, मसाइल हैं, दलाइल हैं कुरान सुन्नत के, हदीस के, सर हर एतबार से। तो अगर आपको डिटेल में इस पर कुछ स्टडी करनी है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं kitabosunnat.com से जी। सवाल ये है, तकफीर सहाबा का मुर्तकब क्या काफिर है? अगर काफिर है तो मेरा ख्याल है मेरे नाम के साथ लफ्ज़ कारी लगता है। ये सवाल उनसे करें जिनके नामों के साथ लफ्ज़ मुफ्ती लगता है। क्या ख्याल है? फतवे तो मुफ्ती देते हैं ना, मैं तो कारी हूँ। और फिर ये यही बात टीवी पे भी लोगों ने कही, वो कई मैंने कमेंट्स पढ़े, लोग उनसे कहते थे अरे डूब के मर जाओ, तुम्हारे नाम के साथ किसी के साथ अल्लामा लगा हुआ है, किसी के साथ मुफ्ती लगा हुआ है, अच्छा उस वक्त मैंने डॉक्टरेट भी नहीं की थी, तुम्हारे नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है और वो सिर्फ कारी है, फिर भी तुम्हारे काबू में नहीं आ रहा। तो हाँ, एक कारी सब पे भारी इंशाल्लाह। तो मेरा ख़्याल है ये फतवा मोहतरम सनाउल्ला साहब मुझसे सीनियर हैं, वो बैठे हैं, अगर वो देना चाहें, मेरी हेल्प करना चाहें तो कर दें। बाकी मैं इतना कहूँगा, जिनको कुरान कहता है राज़ी अल्लाहु अन्हुम वरदु अन, अल्लाह इनसे राज़ी और ये अल्लाह से राज़ी, फिर उनके ईमान में कोई शक करे तो उसका अपना ईमान रहता नहीं है जी। सवाल ये है, रफ़ुल दैन का मसला अफजल या गैर अफजल का है या जायज़ या नाजायज़ का है? फ़र्ज़ और गैर फ़र्ज़ का है।
नमाज जिस तरह फ़र्ज है ना, नमाज का तरीका भी फ़र्ज है। ये नहीं है कि नमाज फ़र्ज है, तरीका जिस तरह तुम्हारा दिल चाहे, ये तो फिर नमाज तो ना हुई, ये तो मनचाही चीज़ हो गई। नमाज फ़र्ज है, तरीका फ़र्ज है। क्यों फ़र्ज है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा। हमारे उस्ताद हाफिज़ अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह से अगर कोई पूछता ना कि रफ़ुल्यदैन के बग़ैर नमाज होती है कि नहीं होती, तो वो कहते थे अगर रफ़ुल्यदैन के बग़ैर पढ़नी है तो फिर नमाज ज़रूर पढ़नी है, अगर रफ़ुल्यदैन के बग़ैर पढ़नी है तो नमाज ज़रूर पढ़नी। नमाज तो उसी तरह पढ़ो जिस तरह अल्लाह के हबीब ने पढ़ी है, और अल्लाह के हबीब की ज़िंदगी में एक दिन की एक नमाज की एक रकत भी बग़ैर रफ़ुल्यदैन के सही सनद से साबित नहीं, साबित नहीं कि किसी हदीस में ये हो। अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी, रुकू किया, रफ़ुल्यदैन नहीं की, रुकू से उठे, रफ़ुल्यदैन नहीं की, किसी हदीस में रफ़ुल्यदैन की नफ़ी नहीं। तो ये ऐसे फ़रूई मसला नहीं है, ये बुनियादी मसला है। हर मसले को फ़रूई कर करके पूरे इस्लाम को लोग छोड़ बैठे। मौलवी मसला बताया जो पांचा जो है वो टखने से नीचे नहीं रखा करो, आगे कहते क्या सारा इस्लाम और पांचे में खड़ा हुआ है। उनको बोलो दाढ़ी रखा करो तो फौरन कहेगा यार तुम तो अजीब दकियानुसी किस्म के आदमी हो, क्या सारा इस्लाम दाढ़ी में है? अरे इस्लाम दाढ़ी में नहीं है, दाढ़ी में तो इस्लाम में तो दाढ़ी है, इस्लाम में तो है ना दाढ़ी। जैसे एक बादशाह को शौक चढ़ाइए जो क्या बनाते हैं जिस्म पर जो टैटू वो बनाते हैं, तो उसको हुआ कि मैं चूंकि बादशाह हूँ तो मेरी कमर पे शेर बनना चाहिए, नवाज शरीफ वाला नहीं, वो उस ज़माने का जंगल का कोई शेर वो बनना चाहिए। अब वो टैटू बनाने वाले को बुलाया, जाहिर बात है बादशाह नाजू में पला, अब वो तो सुई चबो रहा है। अब जैसे उसने सुई चबोई तो उसने कहा ये क्या बना रहा? बोले साहब ये अभी दुम बनानी शुरू की। छोड़ यार तू बगैर दुम के बना दे। उसने फिर सुई चलाई थोड़ा, अब उसको तकलीफ हुई, यार अब क्या बना रहे साहब? ये मैं टांगे बना। यार तू बगैर टांगों के शेर नहीं हो सकता, बगैर टांगों के बना। इसी तरह करते करते कुछ नहीं बनाने दिया तो गोया शेर नहीं बना। ये इस्लाम पैंचे में है, इस्लाम क्या दाढ़ी में है, इस्लाम क्या रफ़ुल्यदैन में है, इस्लाम क्या सिर्फ आमीन में खड़ा हुआ है, सब कुछ छुड़वा के तो बाकी बच्चा क्या है? फिर इस्लाम किस चीज़ का नाम? हर चीज़ इसी तरह छुड़वाते चले जा रहे। जी सवाल ये है, ये इनकी कोई हद भी है जी? क्या कुछ कर दी है इसमें से जो गैर जरूरी थे वो सारे ये बच गए या हो गए? ये भी बच गए, वो हुए हुए इस तरह। सवाल ये है कि जैसे अच्छा ऐसा है साढ़े अब 11 है ना, बस 20-25 तक बस ख़त्म करो जी, मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर जी। सवाल ये है कि जैसे नमाज के अंदर सुन्नत को छोड़ना अहले हदीस का ये मसलक है, क्या नमाज के बाद सुन्नत की भी वही हैसियत है या वो छोड़नी? नमाज के अंदर सुन्नत को छोड़ना क्या मतलब? कहते हैं कि नमाज के अंदर रफ़ुल्यदैन छोड़ने से नमाज नहीं होती, तो क्या नमाज के बाद सुन्नतें छोड़ देने से नमाज हो जाएगी? क्या नबी जो है ही बाद में तो उसका नमाज से क्या लेना देना? अगर कोई चीज़ है ही नमाज के बाद तो नमाज तो उससे पहले हो गई ना, अब फिर उस बाद वाली चीज़ को उसके साथ क्यों जोड़ रहे हो? तकलीद के बारे में वादे फरमा दे कि तकलीद क्या है। आज के दौर में कहा जाता है कि अहले हदीस उलमा भी मुकल्लद हैं, जैसा कि बाद में शायद हमारे कहते हैं हमारे सलफ की बातों को आंखों पर बांध के मानते हैं। मेरा ख्याल है आप लोग उन उलमा की गुफ्तगू को समझ नहीं सके। वो ये नहीं कहते कि सलफ की बातों को हम उसी तरह, अगर इस तरह मानने लग जाएं आंखें बंद करके तो
फिर मुझे बताइए फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जुर्म किया है? ये बात अहले हदीस नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि हमारे सल्फ ने जो कुछ बयान किया है वो दलायल दिए, जैसे फतावे अहनाफ के भी हैं, फतावे अहले हदीसों के भी हैं, लेकिन अहले हदीसों के फतावों को आप उठाओ, उलमा के फतावा रोपरी सनाइया मियाँ नज़ीर हुसैन मुद्दे दिलवी, आपको फतावों में आपको दलायल मिलेंगे, कुरान और सुन्नत के दलायल मिलेंगे। तो वो जो एक तहकीक हुई हुई है वो अगर उस फतवे पर उस दलील को देख कर वो फतवा देता है तो ये तकलीद नहीं है, वो तो दलील देख चुका है और दलील को देख कर फतवा दे रहा है, इसे तकलीद नहीं कहते। बाकी तकलीद इत्तेबाउल इंसान बग़ैर दलील ही, तकलीद ये है कि किसी इंसान की पैरवी करे उससे दलील मांगे बगैर, उससे दलील मांगे बगैर पैरवी करे, ये तकलीद है। और ये हनफी जो कुछ कर रहे हैं, अब ये जो रफुलदैन की लाजिक बयान करते हैं, बुत जी बगल में छुपाते थे और यूं होता था और ये होते थे, फिर ये इमाम साहब को भी पता नहीं था इस चीज़ का, इमाम साहब ने भी इस चीज़ को कहीं बयान नहीं किए, तो ये तकलीद ये नहीं है। बाकी तकलीद के लिए खुद कुरान ने मुजम्मत की, अमलहुम शुरका शराउलहुम मिनद्दीन मालम यासम बिल्ला, क्या इन लोगों ने अल्लाह के ऐसे शरीक बना लिए हैं जो इनके लिए शरीयत साजी करते हैं जिसकी अल्लाह ने इनको इजाज़त नहीं दी? तो ये तो शरीयत साजी है और ये शिर्क है, शरीयत साजी भी शिर्क है। जी सवाल ये है, अगर ये मोहतरम शेख साहब ने वजाहत की कि हमारे फतावे में भी अगर किसी ने कोई मसला गलत लिखा है तो हम कभी ये नहीं कहते चूंकि हमारे आलम ने लिखा है ये सही है, हम उसे भी गलत कहते हैं। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि हमें हमारे उलमा का फतावा तुम पेश कर ही नहीं सकते, इसलिए कि हमने जब ये कहा कि हमने कलमा रसूल का पढ़ा है तो हमने जूनागढ़ी का भी तो नहीं पढ़ा ना। जी शेख साहब सवाल ये है कि रहनुमाई फरमा दे, दाढ़ी अगर बिखरी हुई हो तो क्या सुन्नत को खूबसूरती के लिए थोड़ा थोड़ा कटवाया जाए? खूबसूरती के लिए शैम्पू करे, तेल लगाए, कंघी करे, उसको सेट करे। गुंजाइश निश्ता, क्या बैंक का सारा निजाम सूती है? नहीं, इस्लामी बैंकों में सारा निज़ाम सूदी नहीं है, मेरी तहकीक के मुताबिक, बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक उन्होंने कोशिश की है उसको इस्लामी रंग देने की, लेकिन जो अभी काबिल इस्लाहात तहफ़ुज़ात अभी बाकी हैं उलमा के, अगर उलमा यकसर उसकी मुखालफत करने की बजाय उन गलतियों की निशानदेही करें तो इसे ठीक किया जा सकता है। जी सवाल यह है कि आज अपने आप को अहले हदीस कहलवाना ज़रूरी है? आज हनफी अगर अपने आप को हनफी कहना छोड़ दें, बरेलवी कहना छोड़ दें, देवबंदी कहना छोड़ दें, शिया शिया कहना छोड़ दें, तो फिर अहले हदीस कहलाना ज़रूरी नहीं है। सवाल यह है कि हमारी जमात की तंजीमों का इख्तलाफ कैसे खत्म होगा? जी हमारी जमाती तंजीमों का इख्तलाफ कैसे खत्म होगा? जब चंदा देने वाले चंदा लेने वाले से ये कहें कि पूरी जमातें मिलकर एक रसीद हमारे पास लाओ तो हम चंदा देंगे वरना नहीं देंगे, अगले दिन सारे के सारे इनकी रात भर मीटिंग होगी, सुबह एक ही रसीद छपेगी, फिर बाद में बंटवारे पे लड़ाई भले होती रहे लेकिन रसीद एक छपेगी। सवाल ये है, कबर में अजाब रूह को होता है या जिस्म को? अजाब कबर कुरान से क्या साबित है? जी अजाब कबर हदीस से साबित है, कुरान में भी सूरह तकासुर में जो आता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून, तो पहला जो कल्ला तालमून है इसकी मुफस्सरीन ने अजाब कबर से ही तफसीर की है, और जो बुखारी और मुस्लिम में जो रिवायात हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कब्र की निशानदेही की और आपने फरमाया जो कुछ कब्र वालों को अजाब होता है जिन और इंसान
इसके अलावा दुनिया की हर चीज़ उसकी चीखो पुकार को सब सुनते हैं। अगर तुम्हें मैं दुआ करूं अल्लाह से और अल्लाह तुम्हें वो चीखो पुकार सुनवा दे तो तुम डर के मारे अपनी मैयतें दफन करना छोड़ दोगे। तो हम दफन कहाँ करते हैं? कब्रों में। तो गोया वो चीखो पुकार यहीं से आएगी। आपका खच्चर किस कब्र से डरा था? बरजख में कहीं जाके या दुनिया की इसी कब्र से? इसी कब्र से। बाकी वो सारा जो कुछ होता है निज़ाम बरजख ही है। हम उस हमारी तफहीम वहाँ तक रसाई नहीं रखती, हम पहुँच नहीं सकते। लेकिन जितना इशारा अल्लाह के रसूल ने कर दिया है सही अहादीस में, उस पर ईमान हमारा लाजिम है। समझ में आए या ना आए, अजाब इस कब्र में होता है, कैसे होता है ये अजाब देने वाला जाने, हमें नहीं पता जी। अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये है कि तस्वीर बनाना और वीडियो बनाना इस्लाम की रूह से क्या हुक्म है? मैं तो नहीं बना रहा, तुम लोग बना रहे हो। मसले मुझसे इस्लामी दुरूस की या जुमे के दौरान भी तस्वीर और वीडियो बनाई जाती है? बहरहाल देखिए, कोई भी आलम तस्वीर वीडियो के जवाज का फतवा देने की जुरत नहीं कर सकता। लेकिन लोग ये कहते हैं कि अफादियत इसकी अब ज़्यादा है इस दौर में। मसलन अब मैं तकरीर करके चला जाऊं आप मस्जिद में, मेरे सामने जो लोग नज़र आ रहे हैं मैं समझूंगा यही लोग हैं। आप इसको जब YouTube पर डालेंगे फिर अगले दिन आप व्यू चेक करते हैं कि कितने लोगों, फिर बता रहे होते हर 1,00,000 लोगों ने देख लिया, फिर हफ्ते बाद जी 10,00,000 लोगों ने देख लिया। अब ये उसका एक फ़ायदा है। अब अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी हम उनकी वीडियोस देखते हैं तो ईमान उसी तरह ताज़ा हो जाता है जैसे अभी हमारे सामने खड़े होकर बयान कर रहे हैं। तो ये उसकी एक अफादियत है। तो बजाय इसके चूँकि शैतान इसी रास्ते से आ रहा है तो आप भी उसी रास्ते से उसको मारेंगे। जैसे आपने हज़रत उमर के बारे में कहा, आपने फरमाया उमर इतना बहादुर इंसान है जिस रास्ते पर चल पड़े और शैतान को भी पता लग जाए कि उमर इसी रास्ते पर आ रहा है, तो उमर वो रास्ता नहीं छोड़ता। कौन छोड़ता है? शैतान वो रास्ता छोड़ता है। तो ये रास्ता बेशक शैतानी है, आप इस रास्ते पे जाएं, शैतान को ये रास्ता छुड़वाएं। यानी आपकी बात इतनी फैले शैतान की बात ना फैले। अब जैसे लाउड है, एक अरसे तक तबलीगियों ने रायवंड में लाउड स्पीकर बंद रखा, तकरीर इस पे करते, नमाज बकरे लाउड स्पीकर, इमाम रुकू में होता, लोग सजदे में होते, पता ही नहीं चलता, आवाज़ ही नहीं जाती किसी को। अब उनको भी किसी ने समझाया बेवकूफ़ हो, ये साइंसी चीज़ है, इससे फ़ायदा उठाओ। अब उन्होंने भी लगाना शुरू कर दिया। इसी तरह हमारे बहुत सारे साथी थे, मैं कराची में एक इलाका था बोहरा पीर, वहाँ रहता था, तो वहाँ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे फ्लैट हैं, 6th फ्लोर पे मेरा घर था। तो उस वक्त लोगों में इतना जज्बा उन लोगों ने पैदा किया कि ये हराम, टीवी हराम, ये हराम, वीडियो हराम। तो 6th फ्लोर से लोगों ने टीवी नीचे फेंके, उनसे तुड़वाए, हज़ारों रुपए लगे हुए, फिर वो कचरा इकट्ठा करके चौक पे रख के उनको आग लगवाई। और अब जो है वो टीवी जायज़ हो गया। पहले एक लाठी दिखाई गई हाथ उस टीवी के अंदर, फिर एक दफ़ा कमर दिखाई गई, आगे जवेद चौधरी बैठे हुए थे, फिर अगले इंटरव्यू में दूबदू आमने सामने फिर चेहरा भी दिखाया गया। फिर एक वक्त था जमहूरियत बिल्कुल कुफ्र थी और बिल्कुल हराम थी, और दुनिया से कहा जा रहा था ये कुफ्र का निज़ाम है भाइयों, हम इस कुफ्र के निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जब ऊपर से मई बाप तब्दील हो गए, जमहूरियत की खतना करा के फ़ौरन मुसलमान कर दिया, फिर वो कलमा पढ़ाने में देर भी नहीं लगी, और अब देखो मुसलमान। तो ये बजाय इसके कि तुम्हें तुम्हारी अकल में 10 साल बाद एक चीज़ समझ आती है, यानी हम पाकिस्तानी रफ्तार से चल रहे हैं और दुनिया जापानी रफ्तार से चल रही है, तो आप जापानी रफ्तार से चलो ना। जो टेक्नोलॉजी उनकी 50 साल पुरानी हो जाती है पाकिस्तान में वो न्यू आती है। अल्लाह के बंदे कुछ दुनिया के साथ चलो जी। सवाल ये है कि कुछ वीडियो बनाने वाले वो YouTube से, मेरा ख्याल है टाइम हो गया, वो YouTube से अपना कारोबार करते हैं,
क्या ये कारोबार दौरान जुमा करना जायज है कि वो वीडियो बना के अपने व्यूज के जरिए पैसे कमाते हैं, इसका शरी हुक्म देगा? ये सवाल नहीं समझा मैं। सवाल ये है कि यूट्यूब वगैरह के ऊपर वीडियो बना के लगाई जाती है, उससे जो कमाई आती है, ऐसे कुछ साथी यूट्यूबर जुमे की नहीं, यानी ये पूछना चाह रहे हैं कि यूट्यूब की कमाई हलाल है या हराम? इसके बाद यानी जाकिर नाइक का फतवा पूछना चाह रहे हैं जो उन्होंने कहा कि हराम है, ये नहीं, ये सब इसके आगे पूछना चाहते हैं। जी, तो पूछना चाहते हैं कि दौरान जुमा तजारत हराम है, तो ये दौरान जुमा तजारत कर रहे होते हैं वीडियो बना के लाइव चला के, इसके पैसे आ रहे होते हैं, इसका हुक्म है? ये तो कहीं भी अल्फाज नहीं, दौरान जुमा तजारत ये अल्फाज है कि जिसने मस्जिद में खरीदो फरोख्त की, मसलन उसने कोई चीज़ बेची मस्जिद में और दूसरे ने मस्जिद से ख़रीदी, तो उस बेचने वाले को फरमाया ये बददुआ दो कि ला अरबहल्लाहु तिजारतक, कि अल्लाह तुझे तेरी तिजारत में नफ़ा ना दे। तो ये बेच तो नहीं रहा ना मस्जिद में, तो उस हुक्म को उसी तरह रखो जिस तरह हुक्म है। हुक्म ये नहीं है कि ये कैमरा जो बना रहा है तिजारत कर रहा है क्या कर रहा है, ये हुक्म नहीं है। हुक्म ये है जिसने मस्जिद में खरीदो फरोख्त की, तो उसको ये बददुआ दो कि अल्लाह तुझे तेरी तिजारत में नफ़ा न दे। ठीक, जज़ाकुमुल्लाह।